नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान, इष्ट सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रावण ने अपनी पत्नी मंदोत्री से स्त्रियों के ऐसे 8 गुणों के बारे में चर्चा की है जो आज भी कलयुग में बिल्कुल सत्य है। तो उन्हीं 8 अवगुणों के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले, अगर आपने मेरा YouTube चैनल भक्ति खबर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को आप क्लिक करिए और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करिए। रावण के बारे में जब भी बातें होती है तो यही कहा जाता है कि दोस्तों, वो एक प्रतापी, मायावी लेकिन दुष्ट राक्षस था, जिसे कि अपनी शक्तियों का बड़ा ही घमंड था। लेकिन उसकी एक गलती के कारण उसका घमंड चकनाचूर और उसकी सोने की लंका जलकर राख हो गई। और उसकी वो गलती थी माता सीता का हरण करना। एक पराई स्त्री को जबरदस्ती अगवा करके उसे अपने घर में ले आना उसके विनाश का कारण बना। रावण की इस दुर्दशा का अंदाजा उसकी पत्नी मंदोदरी को शायद पहले ही हो गया था। इसी कारण उसने अपने पति रावण से प्रार्थना की थी कि वो सीता को वापिस करके भगवान राम से माफी मांग ले। लेकिन रावण ने उसकी एक नहीं सुनी और जब युद्ध करते करते उसे अपनी हार का अंदेशा हो गया तो उसने महिलाओं के बारे में 8 अवगुण बताए थे, जिसका जिक्र वाल्मीकि के रामायण में तो नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में जरूर मिलता है। तो वही 8 गुण अब मैं आपको बताती हूँ। पहला, साहस। रावण ने कहा था कि महिलाएं बहुत ही ज़्यादा साहसी होती है, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती है। दूसरा, झूठ बोलती है। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती है क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती है, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती है और बुराई का कारण बन जाती है। तीसरा, अस्थिर और चंचल। महिलाएं अस्थिर विचारधारा और चंचल चित वाली होती है, इसलिए उनके मन को समझ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। चौथा, स्वार्थी और मायावी। महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती हैं और अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो कहानियां गढ़ने और मोह मायावी खेल भी खेल जाती है। पांचवा, घबरा जाती है। यद्यपि महिलाएं साहसी होती हैं, लेकिन विकट परिस्थितियां आते ही वो बहुत जल्दी हथियार डाल देती है। छठा, महिलाएं मूर्ख होती है। महिलाएं मूर्ख होती है इसलिए अक्सर भावावेश में आकर वे गलत फैसले ले लेती है, जिसका एहसास उन्हें बहुत देर से होता है। सातवा, दया नहीं दिखाती है। वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती है, लेकिन अक्सर कोई एक बार उनकी नजर से उतर जाए तो वो उसे आसानी से माफ नहीं करती है। आठवा, अपवित्र। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही साफ सुथरे कपड़े, गहने, खुद को सजाए रखती है, लेकिन दिल से वो हमेशा अपवित्र होती है। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती, इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। तो दोस्तों, ये थी रावण द्वारा बताए गए ये थी 8 बातें। आपको कैसी लगी ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति खबर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।